टेकिंग इंग्लिश लिटरेचर आई एम टेकिंग योर चैप्टर 7 ब्रिजेस ऑफ लव. इट्स अ पोएम बेटा, अ पोएम बाय प्रताप रस्तोगी. प्रताप रस्तोगी इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम. सो बेटा लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. व्हाट द पोएट इज सेइंग, द टाइटल ऑफ दिस पोएम बेटा एज यू कैन सी द ब्रिजेस ऑफ लव मींस द बॉन्ड्स ऑफ लव, प्रेम का बंधन. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पैराग्राफ. Eat less, think more, read and work. The poet is saying that eat less, think more, read and work. Yani the person, beta, ऐसे व्यक्ति के जो कम खाते हैं, think more, ज़्यादा सोचते हैं, read and work, और जो पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होते. They can never be failed in their lives. They alone fail who shrink and shut. आगे पोएट ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हेजिटेट करते हैं यानी हिचकिचाते हैं किसी काम को शुरू करने में या किसी काम को करने में, वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होती है उनको. एंड शट मीन्स टू अवॉइड वर्क, वो काम को अवॉइड करते हैं यानी काम से जी चुराते हैं. ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं होते, वे हमेशा ही फेल होते हैं. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स अवर फर्स्ट डी वर्ड इज श्रिंक. श्रिंक मींस हेजिटेट. ओके स्टूडेंट्स नाउ शट. शट मींस टू अवॉइड वर्क. सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. लेट्स हैंग ऑन टू होप इवन विद एम्प्टी हैंड. द पोएट इज सेइंग दैट कि बेटा हम पर कभी अगर ऐसा टाइम आए कि हमारे पास कुछ नहीं है, ओके हमारे हाथ जो है वो एम्प्टी हैं, हम फ्री हैंड हैं, खाली हाथ हैं, तब भी हमें ऐसे में होपलेस नहीं होना चाहिए. हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उम्मीदों पर कायम रहना चाहिए. नेचर इज जेनरस इनफ इन एवरी लैंड. अब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने इंसान को बहुत कुछ दिया है. हर जगह पृथ्वी ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ बट एज यू कैन सी योर नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस. जेनरस इज लिबरल. ओके जेनरस इज यूज फॉर द आर्ट. ओके द आर्ट इज द नेचर इज जेनरस इनफ इन एवरी लैंड. पोएट कह रहे हैं कि हर जगह पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी चारों तरफ जो प्रकृति है बेटा, नेचर है, उसने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ दिया है. तो द नेक्स्ट पैराग्राफ द अर्थ इज हार्ड फॉर द आइडल्स फॉर द स्ट्रॉन्ग फेयरली गुड. अब पोएट आगे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हु आर आइडल्स. आइडल्स मीन्स द पर्सन हु डोंट वांट टू वर्क, जो काम करना नहीं चाहते. आलसी. आइडल्स मीन्स आलसी, लेजी हम जिनको बोलते हैं. ऐसे व्यक्तियों के लिए पृथ्वी हमेशा हार्ड रहती है, सख्त रहती है. उनको ये लगता है कि ये पृथ्वी बंजर है, सूखे, इसमें कुछ नहीं हो सकता. फॉर द स्ट्रॉन्ग फेयरली गुड. और जो व्यक्ति स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उनके लिए वो धरती हमेशा हरी भरी रहती है. दे आर फ्री फ्रॉम डेली वरीज हु वर्क फॉर डेली फूड. अब ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंताओं से मुक्त रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने दैनिक, जो उनका भोजन होता है बेटा 2 समय का 3 समय का, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो किसी तरह से अपनी अर्निंग कर सकें. सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ यू विश टू बी फ्री फ्रॉम पेन एंड सॉरो टॉय टुडे एंड ट्रस्ट टुमारो. हाउ ब्यूटिफुल लाइन द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड टू स्टूडेंट्स. नाउ लिसन केयरफुली. द पोएट इज सेइंग इफ यू विश टू बी फ्री फ्रॉम पेन एंड सॉरो. पोएट वॉन्ट्स टू से टू यू. ओके स्टूडेंट्स पोएट जो है वो आपको भी समझाना चाह रहा है इसके थ्रू. पोएट कह रहा है कि अगर आप आज ही चाहते हो कि आप आने वाले कल के जो दुख हैं, आपके जो कष्ट हैं,
उनसे आप फ्री रहो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज क्या करना होगा, टॉयल टुडे, उठकर खड़े होना है और मेहनत करनी है। टॉयल मीन्स वर्क हार्ड, ओके, एंड ट्रस्ट टुमारो, ट्रस्ट मीन्स टू हैव फेथ इन, ओके। एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट कीवर्ड इज टॉयल, टॉयल मीन्स वर्क हार्ड। Now press, press means to have faith. आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें आज क्या करना होगा, हमें आज मेहनत करनी होगी और आने वाले कल पर विश्वास रखना होगा। Now बेटा the last paragraph of this poem, let's take a vow. Vow means pledge, promise. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आइए आज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक वचन लेते हैं। एज यू कैन सी अवर नेक्स्ट वर्ड इज वो मीन्स प्लेज। आप इसको प्रॉमिस भी लिख सकते हैं बेटा, टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ लव। अब किस चीज का प्रॉमिस आपको लेना है, किस चीज की प्रतिज्ञा करनी है कि आप क्या बनाएंगे, ब्रिजेस ऑफ लव यानी प्यार के। ब्रिज मीन्स वैसे पुल होता है बेटा, जो लिटरल मीनिंग होता है ब्रिज का वो पुल होता है, लेकिन पुल पर यहाँ पर क्या मतलब है, पुल से बॉन्ड, लिंक्स यानी बंधन, एक जो चेन बनती है प्यार की, ठीक है। एज यू कैन सी अवर लास्ट वर्ड इज ब्रिजेस, ब्रिजेस मीन्स बॉन्ड्स, लिंक्स, ओके। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि आइए आज एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी एक प्यार का पुल बनाएंगे, प्यार का बंधन बनाएंगे, बिटवीन मैन एंड वैन यानी हर व्यक्ति के बीच में, आपस में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा व्यक्ति जुड़ेगा, कनेक्ट होगा। द अर्थ ग्लो एंड स्काई एवर, इस पृथ्वी पर और इस आकाश में हम जहाँ भी रहें हम एक प्यार का पुल बनाएंगे, यानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होगा और फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से कनेक्ट होगा, ठीक है। जब आपस में सब एक साथ एकजुट होकर के वर्क करेंगे तो किसी के भी जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर चैप्टर 7, ब्रिजेस ऑफ लव, इट इज अ ब्यूटिफुल पोएम, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द पोएम थॉरली, ओके। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।